सत श्री अकाल जी। पिछले ब्लॉग दे विच तुसी देखिया सी रोपड़ दा गुरुद्वारा टिब्बी साहिब, और अज मैं तुहानू लेके चली हाँ जंगल दी सैर करवाण। जी हाँ, अज असी जा रहे हाँ ट्रैकिंग ते। यह असी आ गए हाँ रोपड़ दे रेलवे स्टेशन तो बस स्टैंड वाली रोड ते। सामने है पुराना पुल जो कि हुण नवा बन रहा है। असी इत्थों राइट टर्न करके नहर दी नाल वाली रोड ते जाना है जो कि अगे कटली पिंड वल चली जाती है। इसे पासे पैंदा है जी रोपड़ दा जंगल जिथे अज असी ट्रैकिंग लई जा रहे हाँ। राइट टर्न करके जरा जा अगे जाके ही तुहानू राइट साइड ते एक बोर्ड नज़र आवेगा जिस उत्ते लिखा है सदाबर्त नेचर ट्रेल। लो जी असी पहुँच गए हाँ अपनी मंजिल ते, और ये सामने रही जी साढ़े जंगल की एंट्री। वेलकम टू नेचर ट्रेल सदाबर्त। इसकी एंट्री ते राइट साइड उत्ते एक बोर्ड भी लग्या होया है जिस उत्ते पूरा गाइड मैप बनाया होया है। अंदर जान तो पहला तुसी इसका रूट देख सकते हो। सो चलते हाँ जी अंदर ते देखते हाँ सानू जंगल दे विच की मिलता है। अंदर एंटर होके इत्थे कुछ आमले दे पेड़ लगे हुए हैं ते एक साइड ते यह बोर्ड लग्या होया है जिस दे उपर आमले दे पेड़ दे गुण और महत्व लिखे हुए हैं। और इत्थे स्टार्टिंग दे विच तुहानू सारे ही आमले दे पेड़ नज़र आणगे। इस तरह इत्थे कच्चा रस्ता बनिया होया है अते दोनों साइड ते पेड़ ही पेड़ तुहानू नज़र आणगे। थोड़ी अगे आके एक बोर्ड इत्थे लग्या होया है जो कि किसी होर ट्री का है, और इस उत्ते भी इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है। जिथे किते भी तुहानू इस तरह का कोई बोर्ड दिखेगा उत्थे तुहानू उसे टाइप के सारे पेड़ मिलणगे। आओ अगे चलते हाँ और देखते हाँ इस जंगल दे विच होर की है। सामने एक छोटा जा लक्कड़ का पुल बनिया होया है लेकिन इसकी हालत कोई बहुत ही ज़्यादा वधिया नहीं लग रही, इसलिए असी उस पासे तो ना जाके दूजी साइड कच्चे रस्ते वालों ही चलते हाँ। तुसी देख रहे हो पूरा जंगल ही है, दोनों साइड ते पेड़ ही पेड़ हैं, दूर दूर तक होर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस तरह इत्थे रस्ते बने हुए हैं जो कि दो पासे नू जा रहे हैं, और इस पासे भी तुसी देख रहे हो पूरा जंगल ही है। और मैनू नहीं लगता कि इत्थे कोई ज़्यादा लोग आंदे होंगे जिस तरह की इसकी हालत है, क्योंकि बार बोर्ड से जिसनू पुल लिखा होया है वह भी बिल्कुल खाली पिया है। और सामने मैनू तो एक भूत बंगला टाइप भी नज़र आ रहा है। ये देखो तुसी सामने कुछ बिल्डिंग बनी हुई है जो इस टाइम बिल्कुल खंडर हालत दे विच है। किसी इकल्ले बंदे नूं तां इत्थे आण च भी डर लगता होगा। इस नूं देख के थोड़ा थोड़ा डर तां वैसे मैनूं भी लग रहा है, पर हुण आ गए हाँ तो देख के ही जावांगे। ये देखो जिवें इस बोर्ड ते लिखिया होया है अमलतास, इत्थे सारे तुहानूं अमलतास दे ही पेड़ नज़र आणगे। तुसी सोच रहे होवोगे मैं इस जंगल दे विच आण दी हिम्मत किवें कीती। मेरे बापू जी नाल हन इसलिए मैं घूम रही हाँ, नहीं तो यह एरिया देख के मैं तो गेट तो ही वापस हो जाना सी। लो जी इस जंगल दे विच एक बंदा नज़र आ रहा है, मतलब लोग इत्थे घूमन आते हैं पर कोई कोई ही आता है। चलो देखते हाँ फिर अगे जाके होर सानू की मिलता है। ये देखो तुसी इत्थे भी रस्ते दो पासे नू चले गए। इस पासे तां इह जंगल होर भी घना जा लग रहा है।
ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਰੈਬਿਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਹੈ ਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਦੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਮਿਲਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਰਤਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਂਘ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਨਕਲੀ ਹੀ ਹਨ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਪਲੇਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਨੇਚਰ ਟ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਬਲੌਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੇਮ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਡ ਵਾਚ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਪਿਕਚਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੰਛੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਨੋਅ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
इस बोर्ड के उत्ते इसका मैप भी बनाया होया है ते इसके वैल्यू और बेनीफिट्स भी लिखे हुए हैं। 318 तरह के बर्ड ते 35 तरह दियाँ फिशिज इत्थे तुसी देख सकते हो और कई बार इत्थे डियर और टर्टल भी देखे गए हैं और इसनू वैटलैंड भी कहा जाता है और जनवरी फरवरी दे विच इत्थे बर्ड वॉच फेस्ट हुंदा है। अगर तुसी तरह तरह के पक्षी देखना चाहते हो तो तुसी उस टाइम ते इत्थे विजिट कर सकते हो, तुहानू काफ़ी तरह के पक्षी इत्थे देखण नू मिल जाणगे। आओ अगे चलते हाँ तो देखते हाँ कि सानू इत्थे देखण दे लई होर की मिलता है। तुसी देख रहे हो इत्थे चारे पासे जगह जगह ते अलग अलग तरह के पक्षियों के बोर्ड्स लगे हुए हैं। बिल्डिंग की बैकसाइड तो बर्ड वॉच के लिए रस्ता जाता है। सो आओ चलते हाँ तो देखते हाँ। फीलिंग तो इस पास से भी थोड़ी जंगल वाली ही आ रही है, बाकी अगे चल के देखते हाँ क्योंकि असी भी पहली बार ही देख आए हाँ। लो जी इत्थे भी इस तरह का ट्रैकिंग एरिया बनिया होया है बट यह पुल की शेप दे विच है। ये देखो इस तरह इत्थे रस्ते बने हुए हैं और विच सारा जंगल है। यह पूरा पुल लकड़ का बनिया होया है और दोनों साइड के एरिया पूरा जंगल की तरह ही रखा होया है। ये देखो एक तरह जंगल ही है। एक मैं तुहानू दिखाया सी चंडीगढ़ बर्ड्स पार्क जो कि इन्ना वधिया तरीके दे नाल बनाया होया है। उत्थे किन्ने तरह तरह के पंछी खुले घूमते हैं जिन्हां नू तुसी देख के बहुत वधिया फील कर सकते हो। अगर तुसी मेरा व्लॉग नहीं देखिया तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और एक ये बर्ड वॉच सेंटर है, पैसा तो इस पर भी काफ़ी लगाया होया है, बहुत वधिया तरीके दे नाल बनाया होया है, लेकिन पंछियों के नाम से इत्थे मैनू हजे तक तो कुछ भी नज़र नहीं आया क्योंकि एंट्री ते असी पुछिया, उन्होंने कहा कि दरिया वाली साइड ते तुहानू पंछी देखण नू मिल सकते हैं, इस पासे तां सवेरे और शाम वेले ही आउंदे हन। पंछी तां नहीं लेकिन मछुआरे जरूर इत्थे नज़र आ रहे हैं। तुसी देख रहे हो सामने किश्ती जा रही है और मछली फड़न वाले हैं और यह सतलुज दरिया है जी। आवाज़ तो काफ़ी पंछियों की आई लेकिन शायद वो किनारे वाली साइड हैं, अंदर वाली साइड नहीं हैं। और मेंटेनेंस के नाम से इत्थे भी कुछ खास नहीं है क्योंकि थोड़ा जा अगर इस नू मेंटेन करन तो वो पंछी अंदर वाली साइड आन तो लोग उन्होंने देख भी सकन। वैसे कहते हैं कि जनवरी फरवरी के ज़्यादा पंछी देखने मिलते हैं। लो जी पंछी तो कोई नज़र नहीं आया, मधुमक्खियों का छत्ता जरूर नज़र आ गया। सो मेरी सलाह तो तुहानू सारयां नू यही है कि अगर तुसी इत्थे आना चाहते हो तो बर्ड वॉच फेस्ट के ही आओ जो कि जनवरी फरवरी के लगता है। यह सी जी बर्ड वॉच सेंटर। हुण तक तुसी देख रहे सी पंजाब दा पुआध दा इलाका। आने वाले ब्लॉग तुहानू मिलणगे मालवे इलाके दे, सो बने रहना जी मेरे नाल। धन्यवाद जी।